हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्यूटीफुल टेरिस गार्डन में। आज की वीडियो की शुरुआत में अपने इस प्यारे से क्रोटन के प्लांट से कर रही हूँ, जो मेरा मैंने लास्ट वीडियो इसका ये जो शेयर किया था, जब मैंने इसे रिपोर्ट किया था। अब आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट होने के बाद काफ़ी अच्छे से इतनी गर्मी में भी ये चल गया है प्लांट। और जो मेरे दो एक साथ प्लांट थे, मैंने इन्हें सेपरेट कर दिया था और ये काफ़ी अच्छे से अब चल गया। जबकि मेरे यहाँ जिस दिन मैंने रिपोर्ट किया था उसी दिन बारिश हुई थी, उस दिन से अब तक बारिश नहीं हुई है। फिर भी मुझे लग रहा था कि कहीं प्लांट खराब ना हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरा प्लांट काफ़ी अच्छे से चल गया है और ये बहुत अच्छी बात है। और आज इसका ये दूसरा प्लांट है, ये इसके लीव्स ये धूप में रखा था, इस वजह से ये अब येलो हो गया है और इसकी कुछ लीव्स ना ये गिर रहे हैं। उसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारे यहाँ गर्मी बहुत है, अभी तक बारिश नहीं हुई है, इसलिए शायद इसकी जो ओल्ड लीव होंगी वो गिर रही हैं। बट प्लांट मुझे लग रहा है कि ख़राब नहीं होने वाला है, क्योंकि प्लांट काफ़ी अच्छे से ये चल रहा है। तो मेरे फिलहाल क्रोटन के प्लांट जो मैंने रिपोर्ट किए थे काफ़ी अच्छे से चल गए हैं। तो जिस किसी फ्रेंड को मैंने रिपोर्ट किया था उसकी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा जो मैंने वीडियो बनाई थी। और ये मेरा मनी प्लांट देखो काफ़ी अच्छे से चल रहा है। लेकिन आज मेरा ये सब टॉपिक नहीं है, आज का मेरा टॉपिक है कि मैंने कुछ प्लांट्स की शॉपिंग की थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने अपने टेरिस गार्डन में बहुत सारे प्लांट ऐड किए हैं, तो फ्रेंड्स मैं उसको बताऊंगी कि मुझे कौन कौन से प्लांट मैंने खरीदे और उनके रेट क्या है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं अपने उन प्यारे प्यारे प्लांट्स के साथ जो मैंने अपने गार्डन में ऐड किए हैं। और ये देखो कितना खूबसूरत प्लांट है। और अब मैं इसको दिखाती हूँ कि इसके बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी निकल रहे हैं। इन्हें भी मैं थोड़े से और बड़े हो जाएंगे फिर मैं इन्हें सेपरेट एक पॉट दे दूँगी, जिससे मेरे ये प्लांट्स और ये मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और ये मेरे पास टू प्लांट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर हम नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं और हमारे घर में चल जाते हैं तो फिर हमारे पास कई प्लांट हो जाते हैं। कुछ तो कटिंग से लग जाते हैं, कुछ उनके बेबी प्लांट्स निकल आते हैं, उन्हें हम सेपरेट कर देंगे तो भी हमारे पास बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो प्लीज़, और शौक़ क्या रखते हैं, अगर किसी के पास स्पेस है तो सबको थोड़ी थोड़ी गार्डनिंग ज़रूर करनी चाहिए, और जिससे हमारे ये घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। तो आइए चलते हैं उन प्लांट्स के पास जो मैंने परचेज़ किए हैं और अपने गार्डन में ऐड किए हैं। और फ्रेंड्स, ये मेरा आप देख रहे हैं कि मैंने कोलियस का प्लांट लिया है। मुझे बड़ी मुश्किल से कोलियस मिले थे, मेरे पास एक ही कलर का कोलियस था और मैं सोचती थी मुझे कहीं कोलियस मिल जाए तो मैं अपने गार्डन में ऐड करूँ। मुझे बहुत ही कोलियस बहुत पसंद है, क्योंकि जब हमारे पास समर में फ्लावर प्लांट नहीं होते हैं तो ये कोलियस हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाता है। बहुत सारी नर्सरी ढूंढने के बाद मुझे तो ये कोलियस मेरे यहाँ नहीं मिलता था, लेकिन इस बार मैं नर्सरी में गई तो मैंने वहाँ भी कई नर्सरी देखी, उसमें मुझे ये कोलियस का प्लांट मिल गया, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है, और फिर भी मिलना मेरे यहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था, और इस बार मुझे दो कलर मिल चुके हैं कोलियस के, तो जो मैं आप लोगों के साथ दिखाऊंगी। पहला है ये, देखो कितनी सुंदर लीव्स लग रही हैं इसकी, और ये मुझे स्पॉट में मिला था और 30 रुपीज़ का ये मुझे मिला था। तो पॉट में 30 रुपये का कोलियस बहुत अच्छा है। तो पहला प्लांट्स मेरा ये था, और दूसरा प्लांट है मेरा एक और, ये कोलियस का है, ये भी कोलियस ही है, शायद कोलियस ही है ये। और देखो इसकी भी लीव्स काफ़ी सुंदर लग रही हैं, और जब हमारे गार्डन में कोलियस होता है तो हमें लगता है कि ये हमारे गार्डन में फ्लावर की कमी को पूरा करता है। और कितनी प्यारी लीव्स लग रही हैं, मुझे दो ही मिले लेकिन बहुत सारे कोलियस के कलर आते हैं। तो आप लोग भी अपने घर में कोलियस जरूर लगाइएगा, बहुत सारे छोटे छोटे पॉट्स में भी कोलियस लग जाते हैं, आप हैंगिंग में भी लगा सकते हो, और आप छोटे से पॉट में लगाइए, बड़े से पॉट में लगाइए, बहुत ईजी टू ग्रो है, कटिंग से भी लग जाता है। तो ये भी मुझे 30 रुपीज़ का मिला था, बट ये पॉली बैग में है लेकिन रेट उन्होंने सेम ही दिया था। इसके बाद मेरा जो थर्ड प्लांट है ये टेबल कामनी का प्लांट है। मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा प्लांट नहीं थे, लेकिन इस बार मुझे नर्सरी में बहुत अच्छे प्लांट मिले, क्योंकि इस टाइम नर्सरी में भी काफ़ी अच्छे प्लांट होते हैं। तो ये मुझे टेबल कामनी का प्लांट, इस बड़े से काफ़ी बड़ा सा पॉट है, ये मुझे मिला है 100 रुपीज़ का। तो मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी रेट में मुझे मिल गया है। फिलहाल मुझे इसे रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके लिए पॉट अभी सफिशियंट है, और ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा तब मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। अभी
मैं इसे कुछ ना करूँगी, बस अपने गार्डन में पहले से एडजस्ट होने दूंगी, क्योंकि प्लांट्स के लिए ना इन्वायरमेंट या थोड़ी जगह चेंज होती है तो भी उसे थोड़ी देर, हाँ हमें तुरंत रिपोर्ट नहीं करना चाहिए, पहले वहाँ रखी कुछ दिनों के बाद हमें रिपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद मेरा नेक्स्ट प्लांट है ये मधुकामिनी का, ये भी मुझे, मैं जब भी किसी के यहाँ देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इस बार मेरे पसंद के काफ़ी प्लांट मुझे मिल गए हैं और ये मधुकामिनी है, ये मुझे 80 रुपीज़ का मिला था, पॉली बैग में मिला था बट 80 रुपीज़ का मिला था, और ये भी बहुत अच्छा प्लांट लग रहा है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। तो फ्रेंड्स इस बार तो मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है, मुझे इन्हें रिपोर्ट भी करना है, तो आप तो समझ सकते हो कि प्लांट्स, मैं अभी पता है रिपोर्ट क्यों नहीं कर रही, एक तो हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है और मुझे पता है बहुत डर लगता है कि रिपोर्ट होने के बाद मेरे बहुत सारे प्लांट्स ख़राब भी हो जाते हैं, तो बहुत डर लगता है रिपोर्ट करने में, बट फिर भी रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये मधुकामिनी का प्लांट है और जो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसे भी मुझे रिपोर्ट करना है क्योंकि ये पॉली बैग में है, और रिपोर्ट कुछ दिनों के बाद जब मैं रिपोर्ट करूँगी तो आई होप उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है ये मोर पंखड़ी का, मोर पंखड़ी भी मेरे पास नहीं थी, मैंने एक बार कटिंग से लगाई थी, तो इस बार मैंने लगाई थी, लग भी गई थी बट बारिश नहीं हुई तो वो शायद अब ना लगे, तो मुझे ये 40 रुपीज़ का, ये काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट है, ये मुझे 40 रुपीज़ का मिल गया था तो मैंने परचेज़ कर लिया, और आप देख सकते हैं फ्रेंड ये काफ़ी हेल्दी प्लांट है और 40 रुपीज़ में रेट भी मुझे सफिशियंट ठीक लगा कि 40 रुपीज़ के हिसाब से सही है, तो मैंने ये प्लांट भी ख़रीदा है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्लांट है बहुत ही खूबसूरत प्लांट है एग्लोनिमा का, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसकी हमेशा रेट हर जगह तुम्हें काफ़ी महंगा मिलता है, और अभी बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है और मुझे सबसे अच्छा कि मुझे मिल गया और रेट भी मुझे इसका बहुत सही लगा कि ये मुझे 250 रुपीज़ का मिला है। सारे प्लांट मैंने इतने प्लांट खरीदे, सबसे महंगा प्लांट मेरा यही है, बट आप देख सकते हो क्या इस एग्लोनिमा के होने के बाद क्या आपको लगता है कि ये आपके गार्डन में फ्लावर की कमी को पूरा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस बार मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, तो प्लीज़ थोड़ा सा देख लेना कि उसके बाद मैं और भी अभी और सारे खरीदूंगी, अभी इतना ज़्यादा हो गया था तो मैंने अभी सिर्फ इतने ही प्लांट खरीदे हैं, और उसके बाद जब मैं और प्लांट खरीदूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए क्या मेरे प्लांट्स आपको खूबसूरत लगे, मैंने कैसी शॉपिंग की है, और ये एग्लोनिमा का प्लांट देखो कितना हेल्दी भी है और आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत है, मुझे तो बहुत प्यारा लगता था, और मुझे कई जगह इसके प्लांट थोड़े बड़े मिलते थे लेकिन काफ़ी कॉस्टली मिलते थे, जो मुझे 250 रुपीज़ का मिला है, तो मुझे लग रहा है देखो अभी इस पर वाइट लीव है, कुछ दिनों के बाद ये रेड सेडिंग में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, और इनकी रेट कैसी लगी और आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो फिर से मैं बोल रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे ऐसे ही गार्डन से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी, और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।